चश्मा हटाने की लेजर सर्जरी में ऐसा क्या होता है कि सिर्फ 10 सेकंड में आपकी नजर बिल्कुल साफ हो जाती है और आपका चश्मा उतर जाता है? और क्या ये सो कॉल्ड मैजिकल सर्जरीज सच में इतनी सेफ हैं जितना डॉक्टर्स हमें बताते हैं, या फिर इनके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो कि हमें नहीं पता? ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। चश्मा हटाने के लिए मेनली दो तरह की सर्जरीज की जाती हैं, एक लेजर सर्जरीज जो काफी कॉमन है, काफी लोग इसके बारे में जानते हैं, और दूसरा आंखों में परमानेंट लेंस इम्प्लांट करके सर्जरी की जाती है। अब दुनिया भर के सर्जन्स की पहली चॉइस चश्मा हटाने की हमेशा से लेजर सर्जरी रही है, और इसका सबसे बड़ा कारण है लेजर सर्जरी की सिंप्लिसिटी। जी हाँ, लेजर सर्जरी को आंखों की वन ऑफ द सिंपलेस्ट सर्जरीज में से एक माना जाता है, और इसका कारण यह है कि लेजर सर्जरी में सारा का सारा प्रोसेस आंख के बाहर वाले सरफेस पे किया जाता है। आंख के अंदर के किसी भी हिस्से को टच करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए सर्जन को आंख में कोई कट या इंसिजन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब लेजर सर्जरी में एक चीज क्लियर है कि सारा काम कॉर्निया के ऊपर होता है, जो बाहर वाली परत है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कॉर्निया हमारे इस कलर्ड सर्कल के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, इसकी मोटाई होती है करीब आधा एमएम मोटी। कॉर्निया के हमारे आंख में मेनली दो पर्पस होते हैं, एक तो है आंखों को प्रोटेक्शन देना, तो हमारी आंखों में धूल मिट्टी जाना, कई बार इंसेक्ट्स चले जाते हैं पोल्यूशन में, इन सब से आंखों को बचाती है हमारी कॉर्निया या काली पुतली। इसके साथ साथ कॉर्निया की एक और प्रॉपर्टी होती है, कॉर्निया हमारी आंखों का जो पूरा देखने का प्रोसेस है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट से कोई लाइट आती है तो वो कॉर्निया लेंस के साथ मिलके उस लाइट को बेंड करके हमारे रेटिना यानी पर्दे के ऊपर एक इमेज बनाती है, और वो इमेज फिर ब्रेन तक जाती है, तब हम देख पाते हैं। तो काफी लोगों को लगता है कि जो लाइट को रेटिना के ऊपर फोकस करने का जो काम है वो सिर्फ हमारे आंख के लेंस का है, पर ऐसा नहीं है। मेजोरिटी ऑफ द काम यानी 70% जो फोकस करने का काम होता है वो हमारी कॉर्निया करती है, और कॉर्निया को की ये जो लाइट को बेंड करने की प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर पूरा लेजर सर्जरी का प्रिंसिपल बेस्ड है। तो जिस तरीके से हमारा चश्मा या हमारे टेम्परेरी कॉन्टेक्ट लेंसेज भी लाइट को बेंड कर सकते हैं, सेम वे में हमारी कॉर्निया भी लाइट को बेंड कर सकती है। अगर किसी को ये समझाना हो कि भाई लेजर सर्जरी काम कैसे करती है, तो मैं कहूंगा कि लेजर सर्जरी में एक लेजर लाइट को 10 से 12 सेकंड तक आपकी कॉर्निया पे डाला जाता है, जिससे कॉर्निया की जो शेप है या कॉर्निया का जो घुमाव है या कॉर्निया की जो कर्व है उसको बस हल्का सा चेंज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो काम अभी तक आपके चश्मे कर रहे थे या आपके टेम्परेरी कॉन्टेक्ट लेंसेज कर रहे थे वही काम आपकी ये रीशेप्ड कॉर्निया करना शुरू कर देती है, और आपको चश्मे की जरूरत खत्म हो जाती है। बस इतना सा काम होता है, और ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जैसे मैंने कहा सिर्फ 10 से 12 सेकंड में हो जाता है। तो अभी तक दो चीजें हमें लेसिक के बारे में बिल्कुल क्लियर होंगी है कि पहला, ये बहुत ही क्विक प्रोसीजर है, 10 से 12 सेकंड ही लगते हैं, और बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है क्योंकि सिर्फ आंख के बाहर के सरफेस के ऊपर होता है। पर क्या लेजर सर्जरी सेफ भी है? इसका जवाब देने से पहले मैं आपको कॉर्निया की एक और प्रॉपर्टी या फिर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताना चाहूंगा, एंड आई होप उससे इस चीज का भी आंसर मिल जाएगा। तो हमारी कॉर्निया है वो हमारी बॉडी में फास्टेस्ट हीलिंग टिश्यू है। जी हाँ, इसका मतलब है कि शरीर के बाकी किसी भी अंग के कंपैरिजन में, बाकी किसी भी बॉडी पार्ट के कंपैरिजन में कॉर्निया सबसे ज्यादा जल्दी हील हो सकता है, सबसे ज्यादा जल्दी रिकवर हो सकता है। और यही एक कारण है कि लेजर सर्जरी में जब कॉर्निया की शेप को हम चेंज करते हैं, जो ये टिश्यूज हल्के से रिमूव करते हैं कर्व को बदलने के लिए, तो इसके बाद रिकवरी बहुत फास्ट होती है, और करीब करीब 24 से 48 घंटे में सभी पेशेंट्स की नजर बिल्कुल साफ हो जाती है। तो ये भी एक कारण है जो कॉर्निया की प्रॉपर्टी है कि सबसे फास्ट हील होने की प्रॉपर्टी ये लेजर सर्जरी इसको बहुत सेफ बना देती है। इसके अलावा ये प्रोसीजर्स करीब 25-30 साल से अभी हैं और दुनिया भर में लाखों लोग इसको करा रहे हैं, और पिछले 5-7 सालों में तो इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, 100% ब्रेडलेस टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, तो उससे लेजर की सेफ्टी और ज्यादा बढ़ गई है। साथ के साथ ये सारे प्रोसीजर्स अब USFDA अप्रूव्ड हैं। जिनको USFDA के बारे में नहीं पता तो मैं बताना चाहूंगा कि USFDA हमारे अमेरिका की एक ऐसी संस्था है
जो सभी ड्रग्स को, सर्जरीज को, नई टेक्नोलॉजीज को पहले अच्छे से जांचती है, परखती है और तब उनको अप्रूवल देती है, सेफ्टी क्लियरेंस देती है। तो जितनी भी लेजर प्रोसीजर्स अब होती हैं वो सारी USFDA अप्रूव्ड है। तो हम एक चीज से निश्चिंत हो सकते हैं कि हाँ, लेजर सर्जरीज बहुत सेफ हैं। ठीक है, लेसिक सर्जरी सिंपल है, लेसिक सर्जरी क्विक है, लेसिक सर्जरी सेफ भी है, बट क्या इसके कोई साइड इफेक्ट भी हैं? जी हाँ, किसी भी सर्जरी के, कोई भी सर्जरी हो, उसके साइड इफेक्ट्स होते ही हैं। और सेम वे में लेसिक सर्जरी के भी कुछ साइड इफेक्ट हैं। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस साइड इफेक्ट है आंखों में सूखापन या आंखों में आई ड्राइनेस। चाहे आप कितनी भी एडवांस सर्जरी कराएं, लेसिक सर्जरी के बाद आपको कुछ महीने तक आंखों में सूखापन जरूर महसूस होता है। बस अच्छी बात यह है कि ये साइड इफेक्ट परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, सिर्फ 2 से 3 महीने ही होता है और इसको काफी इजीली मैनेज भी किया जा सकता है। आपकी जो आंख है वो उस लेवल पे लुब्रिकेंट्स या फिर आंसू नहीं बनाती हैं, आंखें उस तरीके से नम नहीं रहती हैं जैसे पहले रहती थी, इसलिए आपको आर्टिफिशियल टीयर्स, जिनको हम लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स भी बोलते हैं, वो आपको दिन में 4 बार या 5 बार डालनी पड़ सकती है। और जो लोग कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल पे ज्यादा काम करते हैं उन लोगों को थोड़ी ज्यादा ड्राइनेस महसूस हो सकती है, तो उनको शायद दिन में 5 या 6 बार भी ये दवाई डालनी पड़े करीब 2 से 3 महीने। तो साइड इफेक्ट तो है ही और इतना मेजर नहीं है, लेकिन थोड़ी इनकन्वीनियंस तो हो जाती है कि आपको 2 से 3 महीने एक दवाई के साथ बंधा रहना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ साइड इफेक्ट्स और हैं जो सिर्फ 10-20% लोगों में देखे जाते हैं, जैसे कि सर्जरी के हफ्ते 10 दिन तक लगातार पानी आ सकता है, आंखों में लाली रह सकती है, थोड़ा बहुत रेडनेस रह सकती है, इचिंग रह सकती है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आप महसूस कर सकते हैं फॉर 1 वीक टू 10 डेज, ये काफी कॉमन है। तो ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ होता 10-20% लोगों में, बट आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल कोई लॉन्ग टर्म में लेसिक के कोई साइड इफेक्ट्स हैं नहीं, हम सिर्फ डेटा के हिसाब से देखें तो सिर्फ हमारे पास 20-25 साल ही हैं, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के रिजल्ट्स हैं नहीं, बट डॉक्टर्स की माने, सर्जन्स की माने तो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स इसके कुछ भी नहीं आएंगे। अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हो तो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग फॉर दिस लॉन्ग। तो आपके लिए एक स्पेशल टिप, वन लास्ट बोनस टिप, अगर ये सर्जरी इतनी सेफ है, क्विक है, सिंपल है, तो फिर भी ये लेजर सर्जरी सबके लिए नहीं है, तो किन लोगों को लेसिक सर्जरी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए या बिल्कुल नहीं करानी चाहिए? तो सबसे पहले जो लोग 18 साल से कम हैं उन लोगों को अभी लेसिक सर्जरी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो इसलिए कि अभी आप ग्रोइंग एज में हैं, अभी आपका चश्मे का नंबर स्टेबल नहीं हुआ होगा, तो अभी सर्जरी कराने से कोई फायदा नहीं है। तो दूसरा पॉइंट यही है कि अगर आपकी उम्र 18 से तो ऊपर हो गई है, लेकिन जैसे कि आपकी 19 एज है, 20 एज है, 21 एज है, लेकिन अभी भी आपका चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, तो आपको अभी ये सर्जरी नहीं करानी चाहिए। करीब 6 महीने साल भर वेट करना चाहिए, जब तक आपका चश्मे का नंबर स्टेबल हो तब तक ना कराएं। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि अगर नंबर स्टेबल होने के बाद आप सर्जरी कराते हैं तो फ्यूचर में चश्मे का नंबर वापस आने का चांस नहीं रहता। तीसरा पॉइंट है कि जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं या नर्सिंग मदर्स हैं जो अभी अपने छोटे बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती हैं, वो भी अभी लेजर सर्जरी नहीं करा सकती हैं। आप ब्रेस्ट फीड स्टॉप करने के 3 से 6 महीने के बाद लेसिक के बारे में सोच सकते हैं। और ऐसी फीमेल्स भी जो अभी नियर फ्यूचर में अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, उनको भी अभी लेसिक सर्जरी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपको थोड़ा बहुत पावर वापस आ सकता है। तो आई वुड एडवाइज कि आप बाद में प्लान करें इसको। और अगर आपका चश्मे का नंबर कम है और आपको चश्मा पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको लेसिक सर्जरी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं हूँ, मेरा चश्मे का नंबर वही 1 से 1.5 नंबर तक है और आई फील वेरी कंफर्टेबल विद माई ग्लासेस। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ग्लासेस सूट्स माई पर्सनैलिटी मोर, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आई डोंट थिंक अबाउट लेसिक। लेकिन अगर आपका चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा है, बहुत मोटे मोटे ग्लासेस आपको लगाने पड़ते हैं और आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं ग्लासेस के साथ, या फिर आपको चश्मा पहनना पसंद ही नहीं है, नंबर चाहे कितना भी हो लेकिन आपका केस ये है कि आपको चश्मा पहनना पसंद ही नहीं है, तो उस केस में, या फिर आप ऐसी किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें चश्मा अलाउड नहीं है, तो इन सब केसेस में बिल्कुल आप लेसिक सर्जरी के बारे में सोच सकते हैं, अपने टेस्ट वेस्ट करा सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई आप एलिजिबल हैं या नहीं है। लेसिक सर्जरी कराने में कोई हर्ज नहीं है इन केसेस में। तो आई होप बहुत सारी चीज़ें इस बारे में क्लियर हो चुकी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज़ माई फर्स्ट अटैम्प्ट, तो हाँ बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी वीडियो में, तो सबके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू।